हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी योगा विद एबी। आई एम अलका। और तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी योगास टू इम्प्रूव योर आई साइट। आप अगर अपनी आई साइट को नेचुरली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से जो आईज के योगासन्स हैं वो करने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी पोजेज हैं जो आपको आपकी आई साइट इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कम ऑन द मैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो पोज है आइस के लिए उसको हम बोलते हैं पामिंग। उसमें क्या करना है, हम इस तरीके से बैठ जाएंगे मैट पे या फिर आप अपने बेड पे, कहीं पे भी जहां आपको कंफर्टेबल हो वहां पे आप बैठ सकते हैं। आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपको इस तरीके से बैठना है। देन आपकी आपको आइज क्लोज रखनी है। आपके जो हैंड्स हैं उन्हें आप स्लोली स्लोली थोड़ा सा रब कीजिए, और आपको जब लगे कि हाँ वो थोड़े से हल्का सा गर्माहट आपको महसूस हो हाथों में, तो वो आपको फिर आपके हाथ आई लिड्स पे रखने हैं इस तरीके से। ये जो प्रोसेस है, ये जो पामिंग हम बोलते हैं, ये आपको कम से कम 3 से 4 बार करनी है। इससे जो आपकी आईज हैं उससे आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि हम आईज को सेकते हैं, जो हम गर्म चीज़ से सेक नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए कि कहीं पे आपके पेन है, तो हम सिकताव के लिए कोई गर्म चीज़ यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली लाइक दैट आप पाम्स को रब करेंगे और आप अपने आईज पे इस तरीके से उसे रखें, जिससे आपकी जो आईज हैं वो वार्म हो सके और उनको बहुत रिलीफ मिले। नाउ जो सेकेंड है पोज है उसे हम बोलते हैं ब्लिंकिंग। इसमें क्या करना है, आपको फास्ट फास्ट अपनी जो आईज है उसको 17 टाइम्स से 20 टाइम्स ब्लिंक करना है, ठीक है। और जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप कर सकें उतना करना है, फिर नॉर्मल हो जाइए, फिर वापस से एटलीस्ट ये जो प्रोसेस है वो आपको 3 से 4 टाइम करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे हो जाइए, देन और फिर अपनी आईज को क्लोज करके आप नॉर्मल होइए, अगेन आईज ओपन कीजिए और फिर से ये जो ब्लिंकिंग है वो आप स्टार्ट कीजिए 3 to 4 टाइम एटलीस्ट, या फिर 5 टाइम्स, ठीक है। नाउ जो थर्ड योगा है आईज के लिए वो है साइड वे व्यूइंग। इसमें हमें क्या करना है, जो आईज है उससे साइड वाइज आपको साइड वे व्यूइंग करनी है। तो नॉर्मली जैसे हम बैठते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि जब हम साइड में देख रहे हैं तो हम अपनी नेक भी बेंड कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए सिर्फ आपको आईज, क्योंकि जो साइड वे का व्यू लेना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपका जो थंब है किसी भी हाथ का ले लीजिए, लेफ्ट या राइट जो भी आपको सुटेबल हो, तो आप जो थंब है उसको आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है। नाउ आपका जो लेफ्ट थंब है उसको आप अपनी नोज टिप पे रखिए। नाउ आपको आपका जो थंब है राइट वाला नोज टिप पे इसलिए रखना है क्योंकि उससे आपको ये चीज होल्ड करने में रहेगा और आपको हेल्प मिलेगी कि आपकी जो नेक है वो बेंड नहीं होगा इसके साथ में, क्योंकि जब आप आईज को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड है उसके थंब से आपको जो नोज टिप है वहां पे रख लिया, राइट हैंड है उसको आपने ऐसे किया, आपको इसकी तरफ फोकस करना है, देन आपको जो आपका राइट हैंड का थंब है उसे राइट एंड देन आफ्टर लेफ्ट मूव करना है, और जैसे जैसे थंब मूव करेगा वैसे वैसे आपको अपनी आईज को मूव करना है, ठीक है। अब हम थंब की तरफ देखते हुए साइड वे व्यूइंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम राइट की तरफ घूमेंगे, ठीक है। इसमें हमें कंटिन्यू लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट इस तरीके से मूव करना है अपनी आईज को, और एक हाथ जो है उसका थंब आपको नोज टिप पर रखना है। तो इसमें आपको जो साइड वे व्यूइंग है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
अपनी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, हम अपना जो एक थंब है वो अपने नोज टिप पे रखेंगे, राइट हैंड का थंब ऐसे रखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, नाउ हम लोग देख रहे हैं, नाउ ये एक बार हो गया। अब राइट साइड से हम नोज टिप पे रखेंगे एंड देन लेफ्ट वाला, इस तरीके से जो वो हमें करनी है, ये कम से कम आपको 5 से 6 बार करनी है। नाउ जो नेक्स्ट पोज है उसे हम बोलते हैं अप एंड डाउन व्यूइंग। इसमें क्या करना है, अगेन हम लेफ्ट हैंड से अपना जो नोज टिप है उसके साथ पास में अपना जो थंब है उसको रखेंगे, राइट वाला है जो हैंड है उसका जो थंब है उसको हम ऐसे रखेंगे, देन हमें अप एंड डाउन व्यूइंग करना है थंब को देखते हुए, सो दैट आपकी जो नेक है वो बेंड ना हो, ठीक है। इस तरीके से जो अप एंड डाउन व्यूइंग है वो हमें करनी है। नाउ जो नेक्स्ट है वो है रोटेशनल व्यूइंग। तो रोटेशनल व्यूइंग में क्या करना है, अगेन हमें जो अपना आपका एक लेफ्ट हैंड साइड का थंब है उसे जैसे आप नोज टिप पे रखिए या फिर आप राइट साइड वाले को रखिए, ठीक है। अगेन हम इस तरीके से अपना जो नेक जो एक हैंड का थंब है उसे नोज टिप पे और दूसरे को इस तरीके से दूर रखेंगे, देन हमें क्या करना है, हम इस तरीके से देखते हुए लेके जाएंगे, देन हमें थंब को देखते हुए अपनी आईज को रोटेट करना है। ठीक है, 5 times clockwise और 5 times एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको 10 times टोटल करनी है, सो दैट आपकी जो आई साइट है वो इम्प्रूव होने में हेल्प करे। सो ये जो मैंने आपको योगास बताए हैं अपनी आई साइट इम्प्रूव करने के लिए, ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। सो स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।